ग्राम दसोड़ा में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन नागेश्वर महादेव समिति और टंट्या भील समिति के द्वारा किया गया, जिसमें क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति पर फाइनल किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 13 जनवरी से 14 जनवरी को फाइनल किया गया, जिसमें क्रिकेट में प्रथम पुरस्कार 21,121 रुपट्टा और द्वितीय पुरस्कार 11,111 रुपये मुंडला की टीम ने हासिल किया और 15 वर्ष तक की कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार टाइगर क्लब और द्वितीय पुरस्कार पटेल क्लब दसोड़ा ने हासिल किया। ओपन कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 15,115 रुपये मोदकानापुर एवं द्वितीय पुरस्कार 7,777 रुपये शिव शक्ति क्लब दसोड़ा ने हासिल किया। कार्यक्रम का आयोजन संपूर्ण ग्रामवासियों के योगदान से किया गया। कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि पुरस्कार वितरण कर किया गया। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। ग्रामवासियों को एवं जितने भी टीमें हमारे पधारी है उन्हें सभी को मैं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रतिवर्ष इन मैचों में शामिल होता हूं और बहुत यहां के जो युवा टीम है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाती है। इससे गांव में सभी और क्षेत्र में कबड्डी और क्रिकेट का उत्साह बना रहता है। मैं यहाँ के जो युवा साथी इस टीम में भाग करवाते हैं लेते हैं उन्हें मैं बधाई देता हूँ एवं इस कार्यक्रम को जो सुचारू रूप से संचालन करते हैं रेफरी लोग टीचर्स उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जो भी टीमें विजयी हुई है उन्हें मैं बधाई देता हूँ शुभकामनाएँ देता हूँ। इस कार्यक्रम को निरंतर आगे करते रहें यही शुभकामनाएँ। धन्यवाद। नागेश्वर महादेव की नगरी दसोड़ा में यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है जिसमें कबड्डी क्रिकेट और अन्य खेलों को भी रखा जाता है जिसमें सभी का सहयोग रहता है और सभी अपना सहयोग प्रदान करते हुए इस गतिविधि को लगातार कई वर्षों से चला रहे हैं। सभी खिलाड़ियों ने आज कबड्डी में बड़े जोश से भाग लिया और खेल भावना का परिचय देते हुए दसोड़ा को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया है। इसी खेल भावना को ध्यान में रखते हुए ये गतिविधि लगातार करते रहें ताकि छोटे बच्चों में भी खेल भावना जागृत रहे। सभी ने रेफरी का महत्वपूर्ण सम्मान करते हुए उनके निर्णय को सर्वमान्य माना और बहस न करते हुए परिणाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सभी ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। जो टीम विजय रही उन्हें बधाई और जो हार गए और जो पहले मैच में हार गए उनका कारण ये रहा कि उन्होंने प्रयास सही नहीं किया। यदि वो सही मेहनत और प्रयास करते तो वो भी हो सकता है कि प्रथम आ सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पुपला से पधारे दीपक जी चौहान सलोगन करूंगा। सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही नए वर्ष की भी शुभकामनाएं। 2022 आप सबके लिए उम्मीदें और आगे बढ़ने का अवसर लेकर आए। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, धर्मपुरी में चेतन भैया जोशी, उज्जवल जोशी व विपिन भैया जोशी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोचिंग क्लास निःशुल्क में प्रारंभ की जा रही है। जो कोई भी भाई बहन परीक्षा पीएससी की तैयारी करना चाहता है वो जोशी कोचिंग क्लास धर्मपुरी व स्वयं मुझसे भी संपर्क कर सकता है। और सभी मेरे माता बहनों भाई बहनों को आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज खड़े हम धर्मपुरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत डोंगरी दसोड़ा में, जहाँ पर
मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार रूपट्टा टीम ने हासिल किया है, जो 21,121 रुपये एवं द्वितीय पुरस्कार मुंडला की टीम ने किया है, जो कि 11,111 रुपये एवं क्रिकेट कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मोहित कानापुर ने हासिल किया है, जो 15,115 रुपये एवं द्वितीय पुरस्कार शिव शक्ति क्लब दसौड़ा ने 7,777 रुपये में अपना पुरस्कार हासिल किया है, और 15 वर्ष तक के बच्चों में जिसमें प्रथम पुरस्कार टाइगर क्लब दसौड़ा के द्वारा 2121 रुपये एवं द्वितीय पुरस्कार पटेल क्लब दसौड़ा ने हासिल किया है, जिसका पुरस्कार 1111 रुपये, और सभी खिलाड़ियों को मैं SW24 की न्यूज़ की ओर से सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मेरे साथ कैमरामैन पट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।